ओके जी, इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, और मैं तकरीबन सुबह 7:30 से आप साफ लगा दो तो कि 4 घंटे की नींद मैंने पूरी की, और मतलब आजकल मैं इतनी ही एक्चुअल में नींद पूरी कर रहा हूँ। एंड गाइस, लाइक मैं आपको पूरा दिन दिखाने वाला अपना कि कैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी और साथ ही रात को जॉब मैनेज करता हूँ। तो ये पूरा व्लॉग होने वाला है A day in the life of a working student. Vlog would be a day in my life as a student and as a working student. So I think vlog ko start karte hain. It is going to be interesting. मैं जाने के लिए रेडी हूँ, और आप सोचोगे एनर्जी बहुत डाउन हो लग रही मेरी, मैं इतना डाउन होता नहीं रही थी, बट क्योंकि मेरी नींद आज कल इतनी पूरी हो नहीं रही तो नॉट दैट प्रॉब्लम, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट के आपको एंटरटेन किया जाए आज के ब्लॉग में। तो लेट्स गो। हाँ, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ, आज मैं जा रहा हूँ मेट्रो से, ठीक है। यूजली कभी बाजार के साथ भी जाते हैं हम, कभी मेट्रो से जाते हैं, आज मेट्रो से जाते हैं, तो मेट्रो से चलते हैं और लेट्स गो। ओके जी, अभी हम निकल गए हैं घर से, धूप बहुत है। अच्छा, तो अभी हम निकल गए घर से और मेट्रो स्टेशन जो 6 रोड का है, इनको इग्नोर करना है यार। अच्छा, जो स्टेशन जो 6 रोड का है वो खुल चुका है, पर अभी हमने उसी के ऊपर जाना है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। लेट्स गो। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर कि अभी इलस्ट्रेशन की क्लास है हमारी, जो मेरी वजाहत की और वक्र के साथ होती है, तो उनसे भी मिलेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी में जाके इसी बहाने, और ये बात मैं फिर कहता हूँ इग्नोर करना। जी, अभी हमारी रजिस्ट्रेशन क्लास वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, कॉन्सर्ट भी है, तो ये देखिए आज आसिम नज़र आ रहा है, वो आसिम नज़र कह रहा हूँ फिलहाल से यार। तो सीन्स ये हैं कि मैं तो नहीं अटेंड कर पाऊँगा बिकॉज मुझे रात को जो है वो काम पे जाना है। अभी फिलहाल के लिए है कि मैं ढूंढता हूँ जाता वगैरह को, मैं नमाज़ भी पढ़नी है ज़ोहर की, तो वो भी पढ़ती है। यार जी, पहले आप किसी दफ़ा देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना हम लोग, मल्टीमीडिया का कोर्स पढ़ रहे थे, वो इतनी बड़ी हुआ करती थी, आप देखा तो छोटी सी करती उन्होंने, लाइक उसी को डिवाइड कर दी 2-3 क्लास हो गए ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज काइंड ऑफ अ बैड वन। मोहतरम, ये है हमारी GP लैब। मिस्टर अबू बकर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? ट्यूशन आ यार, तेरा मोबाइल नहीं आ गया भाई। यार ट्रीट क्या दे रहा है हमें, ट्रीट क्या दे रहा है? सर, क्या खाना पसंद करेंगे आप? मैकडॉनल्ड्स, KFC, चीजियस? अभी तेरे पास ना 50 रुपए नहीं पड़े हुए सर जी, भजन। अरे कहना क्या चाहते हो? सैलरी आनी है, खिलाएंगे आपको, टेंशन क्यों लेते हैं? सैलरी तेरी पिछले 6 महीनों से नहीं आ रही। मजाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? जनाब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मुझे बोला है कि वीडियो में देख के कुछ भी बोले तो कुछ भी। नहीं साहब, आजू मानी चीज़ें नहीं बोलनी आपने, आपने सिर्फ जो है ना वो अच्छी प्यारी मोहब्बत वाली चीज़ें बोलनी, मोहब्बत वाली। जनाब, आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम को? क्या यू सेड यू गाइस आर टोटली फक्ड? वाह भाई, हमारे टिकटॉकर हैं और इनकी वीडियोस आप देखा करें, ये लीक वीडियो डालते हैं लीक। यार मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ है कसम से, कैमरा चाहिए था मुझे आज, फोटोग्राफी करनी थी। बिलाल भैया आ रहे हैं, तो बिलाल भैया से मेरे फूफी का बेटा, तो किसी और से मंगवा रहे हैं?
किसी और से कितने ताल्लुकात है किसी और से मंगवा रहे हैं खुद कीड़ा ना भाई यार इसके हम कैमरे से खुद खत्म नहीं होती आपकी यार ये आप लगाओ जनाब आपकी मल्टीमीडिया की क्लास वो मल्टीमीडिया कह रहा हूं ये इलस्ट्रेशन की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा यार इलस्ट्रेशन की क्लास का एक्सपीरियंस ये है कि कक समझ नहीं आया आपको ऑलरेडी आता है नहीं नहीं मैंने कुछ समझे नहीं है भाई मेरा ध्यान किसी और तरफ था और ऊपर से बाहर से पाँ पाँ हो रही थी और ऊपर से जो पढ़ाने वाले सर थे वो भी पश्तो थे पख्तून थे तो मतलब बारहवीं शोर रही है कि बारहवीं शोर रहा है कुछ समझ नहीं आज बिलाल सिंह का कॉन्सर्ट है यहाँ पे क्या रही है जोरों शोर से जा रही है मैं तो अटेंड नहीं करूँगा बट अब बक्का साहब और ज़्यादा अटेंड करेगा और ब्लॉग भी बना रहा है वो भी मुझे ड्रिंक तो क्या करता है सर मैं अपने घर के बाहर हेलो मेरी जगह पे बात करता कॉल पे मुझे अचानक कॉल करी और दो बंदे मेरे पास आए तो बात करता हूँ सर वो मैं कहीं काम से आया कहीं काम गया था कॉल सेंटर इधर भी जगह पे इधर भी तो नहीं गया सर पाँच मिनट से बात करना अच्छा तो फिर उसने दो बंदे आए कहते हैं यार मुझे लगा प्रैंक करते आ गए मुझे कमा नहीं मुक्का क्यों मारा सर जी इधर आना तू कह रहा एक शॉट बनाना ही बस अच्छा जी जनाब मेरी क्लासेस इंक्रीज हो चुकी हैं बट जो वजाहत और उमर है वजाहत और उमर कह रहा हूँ वो बकर है उनकी क्लास है वर्ड इशू क्लास 24 तो सामने की बाहर है जी गाइस ये बच्चे अपने अपनी क्लास ढूंढ रहे हैं ये प्यारे प्यारे जाकत और हम जो है वो रात को कॉन्सर्ट पे अटेंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि आज जाना है शिफ्ट पे ठीक है इस वजह से दैट इज़ द रीज़न मेनली तो जनाब वजह साहब के लिए चॉकलेट सैंडविच और लेमन सैंडविच दे के हैं आ रहे हैं तो जनाब ये सर्विस आपको ने कोई किराए पे मुलाजिम रखा हुआ सर्विस देने के लिए माशाल्लाह फिर अच्छा तो जी जनाब आली अभी जो है तो अभी जो है कॉन्सर्ट स्टार्ट होने लगा था तकरीबन 7-8 बजे पहले टोल्ड यू के फिलहाल से जा रहे हैं आए हुए हैं ठीक है तो कॉन्सर्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और मैं जो हूँ वो आगे हूँ क्योंकि हमने जाना है 7:30 के करीब कॉल सेंटर ठीक कॉल सेंटर जाना है वहाँ भी आपको अपने कोशिश लगाता हूँ दिखाता हूँ प्रोग्राम वो कैसे है क्या सीन है क्या सीनारी होते हैं बाकी दिस इज वन मोर थिंग यहाँ पर एक उनका पता हूँ मैं यहाँ पर एक चिप्स वाले भाई होते थे जो सडनली पता नहीं कहीं चले गए हम लोग उनसे काफ़ी चिप्स खाते थे और काफ़ी अच्छी चिप्स भी होती थी उनकी अब पता नहीं क्या सीन हुआ है क्या अर्नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ बट यहाँ पर उनकी चिप्स काफ़ी चलती थी और काफ़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर आके उनसे चिप्स खाते थे तो पता नहीं अब वो क्यों ख़त्म हुई है यार अभी मैं और जल्दी मैं कॉल सेंटर जा रहा हूँ मैं आ गया था घर ठीक है और भी कॉल सेंटर का टाइम हो गया है इट्स लाइक अराउंड 7:50 के करीब हो गए हैं मुझे 8 बजे को पहुँचना है मैं तकरीबन पहुँच गया ठीक है तो जल्दी से पहुँचते हैं रात में ही टाइम मिलते हैं
रोड पे जा रहे हैं। Yeah, hi, this is James here from Senior Financial Solutions. How are you doing today? ब्रेक खत्म हुई है, अभी हमने खाना शाना खाया। ये हमारे अमीक भाई कोई ट्रांसफर किया आपने आज? डीएनसी जो ट्रांसफर हुई वो भी डीएनसी। तो अभी हम बाकियों से पूछते हैं कि उनका क्या हाल है, कोई सीट वगैरह कोई ट्रांसफर करने ने की। और बिरोज भाई कोई आपने आज के ट्रांसफर किए? यस ब्रो, आई हैव गॉट थ्री ट्रांसफर। माशाल्लाह। और हसीब भाई आपकी? भाई दो सेल्स है, 1000 रुपए का बोनस। जनाब आपने कोई ट्रांसफर किया? यार नहीं यार, मैं एक भेजी थी आगे जाके, वो बर्गर मांग गया। उसका बोले बर्गर दुकानों से मिलते हैं हमारे पास के ले जाओ। व्लॉगिंग स्टार्ट करना। कोई आवाज नहीं आती। फादर को ट्रांसफर किया आपने आज? नहीं यार, हां ट्रांसफर मैंने किए डीएनसी। माशाल्लाह डीएनसी। डीएनसी का हमारे व्यूअर्स को मतलब भी बताएं जरा। डीएनसी स्टैंड फॉर डू नॉट कॉल। पर अमीक भाई आप? डीएनसी स्टैंड फॉर डू नॉट कॉल। डू नॉट कॉल। बिरोज भाई के एक कॉल है कि बासी मरीना। नहीं भाई आगे भी बोलना। कितने ट्रांसफर्स किए आज? 3 माशाल्लाह। और उसमें से सेल्स कितनी होगी? 1 इंशाल्लाह। गुड हो गया फिर तो। करम करेंगे। जी गाइस शिफ्ट दोबारा से स्टार्ट होने वाली है और आपसे शिफ्ट के बाद रात को मिलेंगे, क्योंकि हमारी एक ही ब्रेक होती है 45 मिनट्स की, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं होती। तो बंदा काम पे नहीं है कि जुबान की अच्छी है। तुम दिमाग में क्या है? ओके जी हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, अभी मैं घर आया हूँ। तकरीबन अभी 6:30 बज रहे थे कि मैं घर तकरीबन आ गया हूँ। और ये सीन है अभी फ़िलहाल के, वो ना मतलब 6 बजे हमारी ख़त्म होती है, तो वो 5:30 या 6:45 के करीब ख़त्म करके थोड़ा सा सेशन करते हैं और बताते हैं कि आपने कौन कौन से कॉल में गलतियाँ की हैं। अभी नए नए हैं हम लोग कॉल सेंटर में, तो ये सारा सीन है। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ये लाजमी बताइएगा कॉमेंट्स के अंदर। एंड कॉल सेंटर्स के मतलब बीपीओ के मतलब आपको क्या चीज़ें जाननी है, क्या कंसर्न है मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करेंगे हम। चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।